व्हीकल फाइनल अभी मिल गई है, ये पीछे जो खड़ी है क्रेटा यही ऑप्शन है। ऐसा कुछ इंटीरियर का सिस्टमेट है, पीछे के वाले पोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड से एक बार टैली कर लीजिएगा कि कहीं भी डेंट अगर होता है तो वो कर्व से पता चल जाता है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑलमोस्ट अभी 8:15 हो रहे हैं और मैं बिलासपुर से भी निकलने वाला हूँ। फिलहाल तो पहुँचने के बाद प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करना पड़ेगा कि गाड़ियों में कुछ खमी है कि नहीं। उसके बाद शाम तक का प्लान रहेगा डिलीवरी का, जो मैं आपको अभी आने वाले समय में दिखाने वाला हूँ। सेंट अभी दरभंगी वाला टोल क्रॉस करके अभी रायपुर बाईपास में मैं हूँ, जो डायरेक्ट आपको ताटीबंद निकालता है। और पहले ही कॉल करके मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, तो इंस्पेक्शन के लिए गाड़ी को अभी तैयार कर रहे हैं। इट विल टेक 1/2 आवर और आगे का क्या सिनेरियो होता है वो मैं आपको पहुँच के बताऊँगा। और अब आ चुका हूँ यार्ड में और इसी में से एक क्रेटा बेस मॉडल है, लेट्स सी कौन सा चेसिस नंबर मैचिंग होता है। और बेस मॉडल भी इसमें कुछ कुछ आपको मिल जाएंगे और बाकी भी कलर और दूसरे गाड़ियों के वेरिएंट्स रखे हुए हैं। तो जब भी आप आते हैं शोरूम PDI ज़रूर करिएगा, कभी कभार कुछ स्क्रैचेस या डेंट रहते हैं वो ना हो, उस चीज़ के लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा कि आप आके टेस्टिंग ज़रूर करिएगा। तो आगे का क्या प्रोसेस होता है लेट्स सी। व्हीकल फाइनल अभी मिल गई है, ये पीछे जो खड़ी है क्रेटा यही ऑप्शन है। तो PDI में जैसे एक नॉर्मल चेकिंग होता है वो ऐसा है इस बेस में कि पीछे जितने भी डेंटिंग पेंटिंग है या पेंट वेंट वो वगैरह कैसा है आप उसे एक बार टैली करिए, क्योंकि फ्यूज़ अभी इसका निकला रहता है तो वहाँ जाके बाकी की जो वायरिंग कनेक्शन है वो चेक होंगे। तो एक डिटेल्स मैं बैक से लेकर फ्रंट ऑप्शन को आपको दिखाता हूँ। पीछे के वाले पोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइड से एक बार टैली कर लीजिएगा कि कहीं भी डेंट अगर होता है तो वो कर्व से पता चल जाता है, जो फिलहाल मैं अभी एक बार देख चुका हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ऑफ कोर्स ये बेस मॉडल है तो उसमें इस प्रकार के व्हील कैप कवर आपको मिलते हैं। पीछे के वाले पोर्शन में जब मैं टैली कर रहा था तो मैं देख रहा था कि स्क्रैचेस कहीं हैं तो वो नहीं है, सिर्फ डस्ट ऊपर से बैठा हुआ है। और नीचे बम्फर में भी प्रॉब्लम आता है क्योंकि जितने भी डिलीवरी गाड़ियाँ आती हैं नीचे कभी कभार लगने का प्रॉब्लम होता है, तो वो भी आप इंस्पेक्शन ज़रूर करिएगा। और साइड वाले लुक का मैं बता चुका हूँ कि आप साइड कर्व से चेक करिएगा तो उसमें पूरा पता चल जाएगा कि कहीं डेंट वगैरह लगा है कि नहीं। और जैसे ही मैं फ्रंट के तरफ आऊँगा तो फ्रंट के लुक में थोड़ा सा बोनेट में थोड़े इशू या स्क्रैच या डेंट होने के चांसेस रहते हैं, वो भी आप एक बार टैली कर लीजिएगा। सो एक बार ये देखने के बाद नॉर्मल वे में पूरा A to Z परफेक्ट लगा। और लेट्स सी अभी इसका फ्यूज़ कनेक्शन कनेक्ट करते हैं। इंटीरियर का कुछ सिस्टमेट ऐसा है, चेक करने के लिए आप इग्निशन भी एक बार चेक कर सकते हैं। फिलहाल तो सामने के कनेक्शन ना होने के कारण वो चीज़ें अभी डिस्प्ले में थोड़ा बहुत कमी होगी, पर आप इंटीरियर में भी अगर बाय चांस कोई प्रॉब्लम होगा तो वो एक बार टैली कर लीजिएगा। तो मैं चालू करके दिखाता हूँ, एक स्मूथ गेस्चर के लिए थोड़ा सा रेव करके भी देख लीजिएगा। और फिलहाल अभी जो डिलीवरी होने वाली है वो पेट्रोल इंजन की है, तो इंजन थोड़ा स्मूदर ऑप्शन आता है। और फाइनली गाड़ी अब शाम को रेडी होके आ गई है, कुछ इस प्रकार से थोड़ा बहुत रिबन से सजाए हैं लोग और शाइनिंग वाइनिंग काफ़ी अच्छा है, पॉलिश वॉलिश करके देते हैं, तो दैट इज़ द बेटर ऑप्शन। और जैसे मैं PDI के समय में आपको दिखा रहा था कि जैसे आप इंटीरियर में मैं आपको दिखाया था कि कनेक्शन थोड़े बहुत मिसिंग थे, अब आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से कनेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि बैटरी के हिसाब से वो थोड़ा सा डिले रखते हैं कनेक्शन को। और पीछे से वो कुछ इस प्रकार सा ग्लॉसी लुक दिख रहा है, सामने से लाइट में यू कैन प्रॉपरली अंडरस्टैंड। तो फाइनली डिलीवरी होगी, थोड़ी बहुत और पेपर वर्क्स बची है और सिग्नेचर्स, उसको कंप्लीट करने के बाद अब इसको घर ले जाने का समय आ गया है।